हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक iOS से इंस्पायर्ड MIUI थीम, जो कि आप देख सकते हो आपको iOS के साथ रिलेट कर देती है। कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो इसका iOS के साथ रिलेट करता है, पूरी थीम iOS वाली नहीं है बट आपको ये iOS के साथ रिलेट कर देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये जो क्लॉक का विजेट देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ पे जो डबल टैप करके वॉलपेपर्स को भी चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं, काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। और भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है जो कि आगे चल के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी अमेजिंग आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो इस थीम में आपको कुछ ऐसा आइकन पैक देखने को मिलता है जो कि आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे जो आपको यहाँ पे वेदर का आइकन देखने को मिलता है उसमें आपको कुछ ऐसा यहाँ पे वेदर उसके आइकन पे ही शो हो जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पे चेक करोगे जो क्लॉक विजेट है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी चेक करवा दिया था। और मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे इस वाली साइड पे जो डबल टैप करके अपने वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हो। और काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो भी वॉलपेपर आप सेट करना चाहते हो बस डबल टैप करके चेंज कीजिएगा और सेट कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग आपको ये थीम देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इसके कंट्रोल सेंटर की तो वो आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ इस लुकिंग में देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैटरी का आइकन देखने को मिलता है आपको, वो आपको iOS वाला ही देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अगर मैं बात कर लूँ इसके सेटिंग्स के UI की तो वो आप चेक करोगे, वो भी आपको iOS जैसा ही देखने को मिलेगा जो कि आप चेक कर सकते हो। और ये थीम जो है वो लाइट मोड और डार्क मोड दोनों में परफेक्टली वर्किंग करती है जो कि आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा UI देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स का। और आप देखोगे अगर मैं आपको यहाँ पे डार्क मोड अप्लाई करके दिखाऊं तो डार्क मोड में भी ये थीम परफेक्टली वर्किंग करती है जो कि आप चेक कर सकते हो, आपको ऐसी कुछ देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अमेजिंग लुकिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाती है। कोई भी सेटिंग भी ओपन करोगे तो उसके अंदर वाला UI भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बैक नेविगेशन जैसे नॉर्मली देखने को मिलेगा बट आपका यहाँ पे जो मी मैसेज और डायलर है वो कस्टमाइज हो जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मी मैसेज को ओपन करता हूँ मैं तो आप देखोगे आपको यहाँ पे उसके लिए जो है लाइट मोड में कर लेना डिवाइस को, क्योंकि लाइट मोड में आपको ईजिली विजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ये जो आई मैसेज जैसा देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई भी मैसेज आप यहाँ पे ओपन भी करते हो तो आप नीचे देखोगे ये वाली लुकिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं कोई और मैसेज आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये वाला मैसेज ओपन किया तो इसमें आप देख सकते हो आपको आई मैसेज लिखा हुआ देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है, यानी थीम के साथ चेंज हो जाता है। और ये थीम जो है थीम स्टोर पर अवेलेबल भी है, सो काफ़ी अमेजिंग आपको ये थीम देखने को मिल जाएगी। आप चेक करोगे यहाँ पे जो आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है वो यहाँ पे कुछ आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी जो कि चेक कर सकते हो आप। और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर आपको कुछ ऐसा क्लॉक का विजेट देखने को मिलेगा, नीचे आप चेक कर सकते हो आपको यहाँ पे ये वाले विजेट्स भी देखने को मिल जाते हैं कुछ। और आप देखोगे नीचे आपको यहाँ पे जो टॉर्च का टॉगल देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे कैमरा का टॉगल देखने को मिलता है। टॉर्च पे सिंगल टैप करोगे तो आप देखोगे आपकी यहाँ पे टॉर्च ऑन हो जाएगी, और जब यहाँ पे दोबारा टैप कर दोगे इस पर ये ऑफ हो जाएगी। कैमरा ओपन करने के लिए आपको कैमरा आइकन से स्लाइड लेफ्ट करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा, बैक करोगे तो कैमरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखोगे आपको यहाँ पे ऊपर एक डायनेमिक आइलैंड सा देखने को मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे म्यूजिक शो हो रहा है, तो इसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना है इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे आपके गेट ऐप्स में दिखा देगा। ये वाली एप्लीकेशन का आपको ये टॉगल देखने को मिल जाता है, इसे इंस्टॉल करोगे तो इसमें आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो इसे इग्नोर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या सेट कर लेना है इसकी जगह। सो बैक कीजिएगा, दोबारा लॉक स्क्रीन पर आइएगा यहाँ पे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जो एक क्लॉक देखने को मिलती है इस पर आपको लॉन्ग टैप करना है तो आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, आप यहाँ से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाले पे क्लिक करोगे तो आप ये वाला वॉलपेपर यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक ग्लिच चल रहा है इस थीम में जो कि देखोगे अगर आप स्पाइडरमैन वाला ये जो वॉलपेपर देखने को मिलता है स्पाइडर वाला, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट होता है जो कि फर्स्ट वाला है। अगर फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट करोगे तो आपका सेकंड वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे थर्ड वाले पे सेलेक्ट करोगे तो थर्ड वाला सेलेक्ट होता है। यहाँ पे जो भी वॉलपेपर आपको पसंद है वो सेट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे म्यूजिक, बैटरी, फोन और मैसेज का जो आइकन देखने को मिल जाता है जो कि आपने ऊपर यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाला सेट हुआ हुआ है, आपको यहाँ पे म्यूजिक वाला देखने को मिल जाता है, इसे आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो भी सेट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे फोन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका यहाँ पे ऊपर जो है फोन सेट हो जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो, आपका यहाँ पे फोन सेट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं बैटरी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सो आप देखोगे आपके ऊपर बैटरी सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैसेज पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मैसेज सेलेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। जैसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ से मैसेजिंग ऐप ओपन हो चुका है जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। दोबारा लॉक स्क्रीन पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोबारा आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है,
लॉन्ग टैप करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, अब आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आप यहाँ से टाइम के स्टाइल को चेंज कर सकते हो और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इस स्लाइडर से सेट कर सकते हो। जैसे टाइम का स्टाइल आपको ये वाला देखने को मिलता है, इसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल रखूंगा तो आप देख सकते हो चेंज हो चुका है। ये आपको कुछ स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जो भी स्टाइल पसंद है वो रख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये ट्रांसपेरेंसी का जो स्लाइडर देखने को मिलता है, इससे आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो क्लॉक की, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ से जैसे भी ट्रांसपेरेंट क्लॉक आप रखना चाहते हो रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 100% ही रखूंगा। उसके बाद आप देखोगे दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये नीचे वाले विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। आपको सबसे पहले इस वाले पे क्लिक कर लेना है। तो आप देखोगे अगर आप ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट वाले के लिए आपको ये नीचे 6 स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला रखोगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला रखोगे तो ये वाला, इधर आपको ये 3 स्टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ये दोनों विजेट सिलेक्ट करने हैं तो पहले इस पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर आपको ये वाले 8 विजेट्स देखने को मिलते हैं, इनमें आप स्विच कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे अगर तो आपको चार्जिंग एनिमेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे ये वाले विजेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आप देख सकते हो आपको ये वाला विजेट देखने को मिलता है। इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा चार्जिंग एनिमेशन के लिए। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस विजेट को भी चेंज कर सकते हो, जो भी रखना चाहते हो रख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला रख लेता हूँ या फिर ये वाला, जो भी आप रखना चाहते हो। वॉल्यूम के लिए भी आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि आप देख सकते हो आपको वॉल्यूम बता देगा कि आपकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, आपने कितनी वॉल्यूम रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दोबारा आपकी वॉलपेपर वाली सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यही कुछ आपको सेटिंग्स देखने को मिलती है। उसके बाद क्रॉस पे क्लिक करोगे तो आपकी लॉक स्क्रीन यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आप डिवाइस को चार्जर से कनेक्ट करते हो तो आप देखोगे आपको यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन कुछ ऐसी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आप चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको विजेट ऐड करवाया था चार्जिंग एनिमेशन के लिए, वो आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी। और साथ में आप चेक कर सकते हो मैंने आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम वाला विजेट भी ऐड करवाया था। ये वाला कैसे वर्क करता है, जैसे आप देखोगे यहाँ से वॉल्यूम को डाउन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% पे वॉल्यूम जा चुकी है। जैसे अप करोगे इसे तो आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाती है। सो ये आपकी वॉल्यूम का लेवल बताता है आपको यहाँ पे। इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है थीम स्टोर पे और यहाँ पे आके ट्रॉपिकल साइक्लोन थीम को सर्च करना है, जो कि आप चेक कर सकते हो। इसके जो क्रिएटर आपको पावर देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पावर इसके क्रिएटर हैं। इसका जो साइज आपको देखने को मिलता है 41.7 MB की थीम देखने को मिलती है। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चाहे डार्क मोड में चाहे लाइट मोड में किसी भी मोड में अप्लाई कर लीजिएगा, आपको ये वर्किंग करती हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको चेक करवा दिया। सभी चेंजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो ये आज की कुछ थीम थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।